Close again. If you be here on YouTube. Jump the rope. So, you put in 1 plus 0.1, 3 plus 0.01, 5 plus 0.001, और 7 plus 0.001. Up to end answer. अब इसके दो पार्ट है, एक तो ए बी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 अप टू एंड टर्म्स तक प्लस 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 प्लस 0.001 अप टू एंड टर्म्स तक। ये ए बी है, एंड टर्म का सम ए बी का बताओ कितना होगा। n by 2 2 a d कितना प्लस ये क्या है gp है फर्स्ट टर्म gp के 0.1 into common ratio 0.1 नहीं होगा whole raised to n minus 1 upon 0.1 minus 1। अब ये कितना होगा 2 प्लस 2n माइनस 2 2n बाई 2 n स्क्वायर होगा प्लस इसको देखिए ये कितना होगा 1 बाई 10 टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन 1 बाई 10 माइनस 1 n स्क्वायर प्लस ये 1 बाई 10 ये हो गया 1 माइनस 10 इज टू n बाई 10 इज टू n डिवाइड बाई 1 माइनस 10 बाई 10 ये तो कैंसिल हो गए ये 1 माइनस 10 माइनस 9 n स्क्वायर प्लस 10 इज टू n माइनस 1 ठीक है इनटू 1 बाय 10 इज टू n इनटू 9 यही बात समझ आई किसी को डाउट है ठीक है ये नोट कीजिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करके बताइए कल बहुत सारी प्रैक्टिस की थी एनपी को
कॉल किया किसी ने? 50 टर्म से ज्यादा है करके बताओ। एस आपको गिवेन है 1 + 2 × 1 + 1/50 + 3 × 1 + 1/50 होल स्क्वायर। इसकी 50 वाले टर्म कौन बताएगा? 50 वाले टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो 50 आएगा इंटू मल्टीप्लीकेशन में 1 + 1/50 × 49। अब हम क्या करने वाले हैं? s को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 + 1/50 से मल्टीप्लाई करेंगे s को और एक प्लेस छोड़ के इससे मल्टीप्लाई होगा वो वहां लिखेंगे 1 + 1/50। इससे जो मल्टीप्लाई होगा वो यहां लिखेंगे 2 × 1 + 1/50 प्लस इससे जो मल्टीप्लाई होगा वो यहां लिखेंगे 3 × 1 + 1/50 होल स्क्वायर। और ये वाले टर्म इधर आएगी, नेक्स्ट ये वाले टर्म इधर शिफ्ट हो जाएगी 50 × 1 + 1/50 × 2। अब सब्ट्रैक्ट करो, मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिला? 1 कैंसिल, -1/50 × s इक्वल टू ये 1 आया प्लस ये टर्म कितनी 1 + 1/50। ये तो आर ही होगा, फिर आर स्क्वायर हो जाएगा 1 + 1/50 का स्क्वायर + 1 + 1/50 का होल क्यूब। और ये लास्ट टर्म 50 वाले टर्म है वो माइनस हो जाएगी 50 × 1 + 1/50 × 50। ठीक है, अब ये टर्म कितने हुए देखो?
इस टर्म वन को छोड़ो और इसको ये 49 हुई, 49 हुई, 49 टर्म का सम जी पी का क्या होता है 1 प्लस फर्स्ट टर्म 1 इंटू 1 प्लस सॉरी 1 प्लस 1 बाय 50 ए हो गया इंटू आर 1 प्लस 1 बाय 50 टू दी पावर 49 माइनस 1 डिवीजन में क्या आएगा 1 प्लस 1 बाय 50 माइनस 1 तो 1 बाय 50 इंटू 1 बाय 50 माइनस ये वाले टर्म 50 इंटू 1 प्लस 1 बाय 50 टू दी पावर 50 इस स्टेप तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए ठीक है ये तो हम कर चुके हैं अब इसको देखें ये है माइनस 1 बाय 50 इंटू एस इक्वल ये हो गया ये कितना होगा 1 बाय 50 1 बाय 50 में 50 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे प्रोडक्ट कर देता हूँ तो ये 50 मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस 50 ये 1 बाय 50 है ना तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 बाय 1 से ये 1 प्लस 1 बाय 50 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना बन जाएगा 1 प्लस 1 बाय 50 टू दी पावर 50 हो गया माइनस 1 1 प्लस 1 बाय 50 और ये 50 50 इंटू 1 प्लस 1 बाय 50 क्या ये बात समझ आई माइनस माइनस 50 इंटू 1 प्लस 1 बाय 50 होल रेस टू 50 ओके क्या करूँ बताओ क्या ये टर्म कैंसिल हो रही है पूरी इसमें से क्या कैंसिल हो रहा है ये माइनस 50 इंटू 1 बाय 50 कितना होता है माइनस 1 और ये प्लस 1 कैंसिल हो गया ये माइनस 50 और ये वाला माइनस 50 मल्टीप्लाई होगा तो एस कितना होगा मल्टीप्लाई क्या किसी को डाउट है आप में से किसी को भी डाउट नहीं है तो नोट ये वाला करते अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस आपको कल ही बताया था जब कुछ आपको क्वेश्चन करके अपने आप को कुछ करने की जरूरत नहीं है अपने को फ्री करा दो कि मैथ्स के स्टूडेंट कितने ध्यान रखो
असंख्य है। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो मैं आपको एक स्टेप लिखता हूँ, आपको आइडिया देते हैं। कोशिश अच्छी की आपने, गिरफ्त करो, समझे नोट किया। तो इसको एजीपी बनाते हैं, ऐसे तो है ही एजीपी। क्या करते हैं, एस इक्वल 2017 ये लिखा, प्लस 1/4 2016 × 1/4 प्लस 2016 × 1/4 स्क्वायर प्लस 2014 × 1/4 क्यूब। अब लास्ट ये वाले टर्म को क्या है, वो कोई बता सकता है? देखो ये 2016 से स्टार्ट हुआ और 2 पे गया, तो यहाँ तक कितनी टर्म हुई, 2 से लेकर 2016 तक कितनी टर्म हुई? 2015 और 2 × 1/4 2015 प्लस लास्ट ये 1/4 2016। क्या ये बात समझ आई? फिर से बताओ, ये 2016 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है 2016 से 2015 से लेके ये 2 तक जा रहा है, तो 2 से 2016 तक कितने नंबर हुए? 2 से 2016 तक 2015 हुए टोटल, पर 2015 टाइम्स 1/4 मल्टीप्लाई होगा 2015 टाइम, तो 1/4 2000। लास्ट में ये 1/4 बचेगा, ये 2 है, फिर 1 आ गया। अब 1 से लेके 2016 तक कितने नंबर होते हैं? 2016, तो 1/4 है वो 2016 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या ये बात समझ आई? अब आपके पास एक जीपी भी है और एक डिक्रीजिंग एपी, क्या इसको सॉल्व कर सकते हो? ठीक है, डिक्रीजिंग एपी है तो सिर्फ नेगेटिव माइनस का माइनस वैल्यू आएगा, आपकी पूरा प्रोसीजर है। इसीलिए क्या 1/4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये 1/4 से मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये 2017 इधर लिखूंगा एक प्लेस छोड़ के और ये इंटू 1/4 आ जाएगा, प्लस 2016 यहाँ लिखूंगा 1/4 स्क्वायर प्लस 2015 यहाँ लिखूंगा 1/4 क्यूब। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 × 1/4 2015 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 × 1/4 2016 और यहाँ आ जाएगा 1/4 2017। क्या ये बात समझ आई? आप में से किसी को भी डाउट है अभी? हाँ तो चलिए पावर चलिए। अब देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये -3/4 × s इक्वल ये 2017 प्लस इन दोनों का डिफरेंस कितना, तो ये यहाँ पे मैं माइनस लिखता हूँ और ये बैठे, अब ये कितना हुआ 1/4 प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/4 क्यूब। अब तो कहाँ तक जाना है आपको, यहाँ जाना 1/4 2016 फिर ये वाली टर्म माइनस माइनस 1/4 2017 ठीक है। अब ये टर्म कितनी होगी बताओ, 1/4 पावर स्टार्ट हुई और 2016 तक गई, कितनी टर्म हुई 2016 जीपी है तो सम बता दो, -3/4 s = 2017 माइनस जीपी का सम, फर्स्ट टर्म 1/4 × r कितना 1/4 टू दी पावर
2016 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 बाय 4 माइनस 1 और ये माइनस 1 अपॉन 4 टू द पावर 2017। ठीक है, थोड़ा सा और सिंपलीफाई करेंगे इसको, तो माइनस 3 बाय 4 एस इक्वल टू 2017। अब इसको ध्यान से देखिए क्या लिखता हूँ, ये 1 बाय 4 माइनस 1 कितना हुआ, माइनस 3 बाय 4 मल्टीप्लाई होगा 4 बाय 3 से, माइनस 3 बाय 4 है तो 4 बाय 3 से मल्टीप्लाई करता, वो भी प्लस हो जाएगा 4 बाय 3, तो प्लस 4 बाय 3 इंटू 1 बाय 4 और 1 बाय 4 टू दी पावर 2016 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 4 टू दी पावर 2017। ये बात समझ आई, अब ये कितना होगा, 4 और 4 कैंसिल हो गया, ये 4 और 4 कैंसिल, 1 बाय 3, तो माइनस 3 बाय 4 एस इक्वल टू 2017 प्लस 1 बाय 3 इंटू 1 अपॉन 4 टू दी पावर 2016 माइनस 1 बाय 3 माइनस 1 अपॉन 4 टू दी पावर 2017। अब इन दोनों को आप इसमें से कॉमन निकालो, इन दोनों में 1 अपॉन 4 टू दी पावर 2016 क्या बचेगा, 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 4 ये बचेगा। ठीक है, फिर ये माइनस 4 3 बाय 4 से डिवाइड कर दो, ये आपका आंसर, आपको आपकी मिस्टेक समझ आई ना। से कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑनलाइन की वजह से दिक्कत है सब लोग, बाकी बहुत अच्छे बच्चे हैं इसका, बहुत अच्छा। square by 2 cube plus 7 square by 2 to the power of 2 to the power of
लास्ट में दे दीजिएगा। हाँ इसका किसी ने सॉल्व किया कॉमन रेशियो देखो नेगेटिव वाला क्या आएगा कॉमन रेशियो माइनस वन बाय थ्री कॉमन रेशियो आएगा ये तो इनफाइनाइट है इसमें तो कोई टेंशन नहीं दो तीन टर्म ही तो लिखती इनफाइनाइट एजीपी का तो बहुत सिंपल होता है क्या लिखना है एस एस इक्वल थ्री बाय टू माइनस क्या लिखो इसको फाइव बाई टू इंटू माइनस वन बाय प्लस माइनस वन बाय प्लस सेवन बाय टू माइनस वन बाय थ्री होल स्क्वायर प्लस नाइन बाय टू इंटू माइनस वन बाय थ्री होल क्यूब। अब तो इनफाइनाइट अब ये तो रहा आपका ए बी इसका डिफरेंस वन वन का डिफरेंस है सबके अंदर ठीक है और कॉमन डिफरेंस और ये रहा आपका जी पी ए जी पी आ गया क्या करोगे जल्दी बताओ एस को किससे मल्टीप्लाई करो माइनस वन बाई थ्री इंटू एस तो थ्री बाई टू ये इधर आ जाएगा थ्री बाई टू इंटू माइनस वन बाई थ्री प्लस फाइव बाई टू इंटू माइनस वन बाई थ्री होल स्क्वायर प्लस सेवन बाई टू इंटू माइनस वन बाई थ्री होल क्यूब अप टू इनफिनिटी ठीक है। इनफाइनाइट सीरीज की एक अच्छी बात ये होती है कि आपको कितने टर्म से काउंट करने की जरूरत है एक टर्म आपने इस फिर इब्ले छोड़ दिया तो भी आगे वो इन्फिनिट तक ही रहेगी। अब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो ये हो जाएगा वन प्लस वन बाई थ्री फोर बाई थ्री एस इक्वल टू ये थ्री बाई टू आ गया फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म फाइव बाई टू माइनस थ्री बाई टू वन हुआ तो ये माइनस वन बाई थ्री इसका बताओ सेवन बाई टू माइनस फाइव बाई टू वन ये प्लस माइनस वन बाई थ्री का स्क्वायर प्लस नाइन बाई टू माइनस सेवन बाई टू वन हुआ तो माइनस वन बाई थ्री का क्यूब माइनस वन बाई थ्री का क्यूब और ये अब तो कहाँ तक जाना है इंटरव्यू तक तो फोर बाई थ्री एस इक्वल टू थ्री बाई टू प्लस ये इनफाइनाइट सीरीज है ज्योमेट्रिक सीरीज उसका सम होता है ए अपॉन वन माइनस आर ए है आपके पास माइनस वन बाई थ्री अपॉन वन माइनस आर भी कितना ये प्लस वन बाई थ्री हुआ ये फोर बाई थ्री एस इक्वल टू थ्री बाई टू प्लस ये कितना होगा माइनस वन बाई थ्री और फोर बाई थ्री तो माइनस वन बाई फोर ये हुआ माइनस वन बाई माइनस वन बाई अब ये थ्री बाई फोर से मल्टीप्लाई कर दो सर ये थ्री बाई फोर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा नाइन बाई एट ये थ्री बाई फोर से मल्टीप्लाई होगा तो थ्री बाई सिक्सटीन कितना होगा ये बताओ फिफ्टीन बाय सिक्सटीन बाय किसी को भी डाउट है क्या इस सीरीज के अंदर नो डाउट ये कल हमने किया था लास्ट पूरा सही डिस्टेंस से बिल्कुल
प्रश्न किया था, दो बार सब्ट्रैक्ट किया था, ध्यान है आपको, एक बार सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर एनजीपी मिला था, फिर उसको दूसरी बार सब्ट्रैक्ट किया था ना, उसी वे में इसको करना है, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, कल के नोट्स देखिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। पहले बता चुका आप लोग भूल चुके, अब मैं पूरा डेरिवेशन करके बताऊंगा और फिर आपको नहीं भूल, ठीक है। सिग्मा ऑफ आर, सिग्मा ऑफ टी, सिग्मा ऑफ एन, कुछ भी लिखा है, आर की वैल्यू वन से एन, मतलब कुल मिला के वन प्लस टू प्लस अप टू एन तक इसका सम होता है एन इंटू एन प्लस वन, ठीक है, बाय टू। अगर ये आर इक्वल टू वन से एन माइनस वन तक जा रहा है तो एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन प्लस वन बाय टू आपको वहाँ मिलता है, ठीक है। अब देखिए ये सिग्मा ऑफ आर स्क्वायर, आर इक्वल टू वन टू है, मतलब आपको ये ढूंढना है वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर, इसकी क्या वैल्यू है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए मैं आपको अगर पूछता हूँ कि एन क्यूब माइनस एन माइनस वन होल क्यूब ये कितना होगा, तो आप क्या बताओ, आर है आर क्यूब और आर माइनस वन होल क्यूब कितना होगा, कोई बताएगा, ए माइनस बी होल क्यूब कितना होगा, ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस थ्री ए स्क्वायर, यही होता है। चलिए मुझे यहाँ पर बताइए क्या लिखूँ, आर क्यूब माइनस आर क्यूब माइनस माइनस प्लस वन, फिर माइनस थ्री आर और प्लस थ्री आर स्क्वायर, क्या ये बात समझ आई। तो ये हुआ आर क्यूब माइनस आर माइनस वन होल क्यूब इक्वल टू, ये बना आपका थ्री आर स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया, माइनस थ्री आर प्लस वन, मैं आपको ये प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इसको सिग्मा लगा दो दोनों से, आर इक्वल टू वन टू, इधर भी लगेगा इधर आर इक्वल टू वन टू, अब जैसे यहाँ पर सिग्मा लगाऊंगा आर इक्वल टू वन टू, अब वन बाय वन पुट करते जाओ, मुझे बताओ आर की वैल्यू वन पे ये कितना होगा, वन माइनस ये कितना जीरो, नेक्स्ट आर की वैल्यू टू पे टू क्यूब माइनस वन, थ्री पे माइनस टू क्यूब, फोर पे आर माइनस वन पे आर माइनस वन क्यूब माइनस आर माइनस टू क्यूब पर एन, और एन पे एन क्यूब माइनस एन माइनस वन का पूरे, ठीक है। इक्वल टू, ये तो मैंने इसका सिग्मा तो कर दिया, इक्वल टू इसका मुझे बताओ, थ्री टाइम्स सिग्मा आर स्क्वायर माइनस थ्री टाइम्स सिग्मा आर प्लस सिग्मा वन, ठीक है। मैं सिग्मा ऑफ आर तो मैं पहले ही फाइंड कर चुका हूँ, सिग्मा वन कितना होता है, एन, ये एन आ गया, ये माइनस थ्री इंटू एन इंटू एन प्लस वन बाई टू आ गया, और ये हमें फाइंड करना, ठीक है। ये रहा थ्री सिग्मा आर स्क्वायर माइनस थ्री एन इंटू एन प्लस वन बाई टू प्लस एन,
इस टाइप तक किस किस को डाउट है जल्दी बताओ, आप में से किसी को डाउट है? अब ये बताओ क्या ये टर्म कैंसिल हो जाएगी सारी? ये टर्म इसको कैंसिल करेगा, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा और लास्ट ये इसको कर देगा। इधर क्या बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में बताओ? लेफ्ट हैंड साइड बचेगा एन क्यूब माइनस जीरो, एन क्यूब माइनस जीरो। और राइट हैंड साइड में थ्री टाइम्स सिग्मा आर स्क्वायर माइनस थ्री टाइम्स एन इंटू एन प्लस वन बाई टू और प्लस एन। अब सारे टर्म को उधर से करते हैं, पी सिग्मा आर स्क्वायर ये फाइंड करते हैं। तो ये हुआ एन क्यूब, ध्यान देना एन क्यूब माइनस एन, ये वाला माइनस एन आई प्लस थ्री एन इंटू एन प्लस वन बाई टू इक्वल टू थ्री सिग्मा आर स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई? एन क्यूब माइनस एन में से मैं एन बाहर निकालता हूँ, ये एन पीछे क्या बचेगा एन स्क्वायर माइनस वन, उसको एन प्लस वन और एन माइनस वन लिख सकता हूँ। तो ये बना आपका एन प्लस वन और ये एन माइनस प्लस थ्री एन इंटू एन प्लस वन बाई टू इक्वल टू थ्री सिग्मा आर स्क्वायर। इन दोनों में क्या कॉमन? एन इंटू एन प्लस वन, तो ये रहा एन इंटू एन प्लस, ठीक है n into n plus। अब बचा बताओ पीछे क्या बचा? n minus 1 plus 3 by 2 equal to 3 sigma r square। क्या ये बात समझ आई? अब ये हुआ n into n plus 1, ये कितना हुआ 2n plus 1 by 2 by 2 और ये 3 इधर आ जाएगा तो 6 by 6 equal to sigma r। क्या ये बात समझ आई? अब ये दोनों फॉर्मूला आपको कभी नहीं भूलना, इसका सम ये होता है और आर स्क्वायर का सम ये, ठीक है? अब नोट फॉर्मूला लिस्ट बनाना चालू कर दी, दोनों मैट्रिक्स और सारे के सारे फॉर्मूले। माइनस पी होल पावर फोर कितना होता है? ए माइनस पी होल पावर फोर। अब तो आप बिंदास बता सकते हो,
कोई भी पावर ले लो आप लिख सकते हो, कितना होगा 430 मतलब 1 e टू दी पावर 4 माइनस 4c1 4 a क्यूब b प्लस 432 का मतलब 6 6 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4c3 मतलब 4 a b क्यूब और ये b टू दी पावर। ठीक है, अब मैं इस a और b की जगह अगर r माइनस 1 लिखता हूँ टू दी पावर 4, तो a की जगह r लिखो और b की जगह 1, r टू दी पावर 4 माइनस 4 r क्यूब प्लस 6 r स्क्वायर माइनस 4 r प्लस 1। ठीक है, अब देखिए सिग्मा r क्यूब कितना हो, मैं आपसे पूछता हूँ कि r टू दी पावर 4 माइनस r माइनस 1 टू दी पावर 4 ये कितना होगा, बताओ आपके सामने सारे माइनस प्लस 4 आर क्यूब माइनस 6 आर स्क्वायर प्लस 4 आर माइनस 1, क्या ये बात समझ आई। अब बोथ साइड सिग्मा लगाना, r इक्वल टू 1 टू n, सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे, वैल्यूज है वो कैंसिल होती जाएगी, इधर क्या आएगा 4 इंटू सिग्मा आर क्यूब जो आपको फाइंड करना है माइनस 6 इंटू सिग्मा आर स्क्वायर आप फाइंड कर चुके हैं प्लस 4 इंटू सिग्मा आर आप फाइंड कर चुके हैं माइनस सिग्मा 1 जो आपको पता है। तो इधर मुझे अभी से बता दो आर इक्वल टू 1 2 3 पुट करूंगा तो सारे टर्म कैंसिल होती जाएगी, क्या बचेगी एन टू दी पावर 4 माइनस 3, तो एन टू दी पावर 4 इधर आया, इधर 4 टाइम्स सिग्मा आर क्यूब माइनस 6 टाइम्स सिग्मा आर स्क्वायर एन इंटू एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 बाय 4 सिग्मा आर 4 इंटू एन प्लस 1 बाय 2 माइनस एन। ठीक है, ये इधर एन टू दी पावर 4 प्लस एन माइनस 4 एन इंटू 4 से मल्टीप्लाई ये डिवाइड कर देता हूँ हो जाएगा माइनस 2 इंटू एन इंटू एन प्लस 1 प्लस एन इंटू एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 इक्वल टू 4 सिग्मा आर क्यूब। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये इसका स्क्वायर बन एन इंटू एन प्लस 1 ये ऐसा बन। ठीक है, डिवाइड बाय 4 करता हूँ, डिवाइड बाय 4 मतलब 2 स्क्वायर 3 सिग्मा आर क्यूब, सिग्मा आर क्यूब की जो वैल्यू होती है वो होती है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर, जो कि आपको ध्यान क्या ये आप सिंप्लीफाई करोगे ना। ठीक है, तो सिग्मा 1 मतलब n होता है, सिग्मा आर मतलब n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, सिग्मा आर स्क्वायर n इंटू एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 बाई 6 और सिग्मा आर क्यूब n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर। क्लियर है ये? ठीक है, अभी के लिए नहीं, नेक्स्ट क्लास में इस पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्कस